ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।